अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं इस सर्दी के अंदर गूंद के लड्डू। ये गूंद के लड्डू आप घर पे बनाओगे तो बहुत ही फायदेमंद है। आइए, इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आइए चलते हैं कैसे बनाएं। दोस्तों, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, हमने लिया है 500 ग्राम बादाम और 1 किलो सफेद गोंद, 250 ग्राम किशमिश और साबुत मखाने लिए हमने 300 ग्राम और 2 किलो हमने लिया है गुड़, 1 किलो लिया है हमने ये साबुत गोले लिए थे हमने जो इसको पीस लिए हैं और 250 ग्राम लिए है हमने काजू और 2 किलो लिया है हमने रिफाइंड ऑयल। दोस्तों, जो हमने ये बादाम लिए है इसको हम पीस लेते हैं। अब हम काजू भी पीस लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले गैस चालू कर लेंगे। अब हमने जो रिफाइंड ऑयल लिया है वो रिफाइंड ऑयल इसके अंदर मिला देंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें डाल के देखते हैं तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ। वैसे लगता है तेल गर्म हो गया होगा। हाँ, तेल गर्म हो गया। थोड़ा थोड़ा करके इनको गूंद को डालें और ये देखो ज्यादा काला नहीं करना इसको, बस इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम ये सारा गूंद है ना तेल में तल के निकाल लेंगे। दोस्तों, जो गूंद हमने लिया था वो उसको सारा को हमने तल लिया है। अब इसको गरम गरम ही हम इसको फोड़ लेते हैं। इस तरह से आप गरम गरम ही इसको फोड़ लेवें, ठंडा होने के बाद आपको दिक्कत आएगी। ये दोस्तों गूंद बिल्कुल सीख चुका है। अब इसी प्रकार आप भी इसको पीस लेवें। अब हम जो मखाने लिए थे अब मखाने को तलेंगे। दोस्तों, अब हम जो मखाने लिए थे अब मखाने के लिए भी तेल डाल देते हैं और मखाने को भी तलेंगे। दोस्तों, अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम मखाने डाल देते हैं।
मखाने इसको भी तल लेते हैं हम। दोस्तों ये जो हमने 300 ग्राम मखाने लिए थे, ये 300 ग्राम मखाने हमने तल लिए हैं। अब इसको गरम गरम ही हम इसको कटोरी की सहायता से इसको फोड़ लेंगे। जिस तरह हमने गूंद को चूरे किए थे, इसी तरह का प्रकार इसी के चूरे कर लेंगे हम। दोस्तों गरम गरम ही इसको हम फोड़ लेते हैं। ठंडा होने के बाद ये टूटेंगे नहीं आपसे। गरम गरम ही इसको इस तरह फोड़ लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिए हैं, ये आपको गरम गरम ही फोड़ने हैं। दोस्तों जो अब हमारा आखिरी बचा है गुड़, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। उसके बाद इसको तेल में तलेंगे। गुड़ के टुकड़े कर लेते हैं। इसी प्रकार हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और अब हम इस गुड़ को तेल के अंदर फ्राई करेंगे और सारा मसाला हम इसके अंदर मिला देंगे। अब दोस्तों अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। गुड़ को हम आप धीरे धीरे डालें। अब हमारा ये जो गुड़ है बिल्कुल थोड़ी देर में पिघल जाएगा। अब थोड़ी देर में हम इसमें जो सारा मसाला है अब हम इसके अंदर ये मिला देते हैं। अब हम इसके अंदर गूंद मिला देते हैं। अब हम जो साबुत मखाने लिए थे वो साबुत मखाने इसके अंदर मिला देते हैं। आग बिल्कुल धीमी रखें आप। अब इसके अंदर हम किशमिश मिला रहे हैं। ये हमने जो बादाम ली थी बादाम मिला देते हैं इसके अंदर। ये हमारा काजू है और सबसे आखिरी में जो हमने ये गोला है, गोले का चूरा, ठीक है। अब इसको अपन अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आग बंद कर दे बिल्कुल। अब इसको गरम गरम ही हमको लड्डू बनाने हैं। आग हमने बंद कर दिए। देखो बिल्कुल सफेद सफेद बढ़िया और बढ़िया लड्डू बनेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। अब इसको हम उतार के अलग ले लेते हैं, इसको अलग जगह पे इसको नीचे उतार लिए हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिला रहे हैं और अब हम गरम गरम ही इसके लड्डू बनाएंगे। ठंडा होने पर लड्डू नहीं बनेंगे आपके। ये मिल चुका है, अब हम लड्डू बना रहे हैं। अब हम दोस्तों इनके लड्डू बना लेते हैं। याद रखें गरम गरम में ही आपको लड्डू बनाने हैं, ठंडे होने पर ये लड्डू टूटते चले जाएंगे, लड्डू बनेंगे नहीं आपसे।
दोस्तों अब हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप ये लड्डू घर पे बनाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि ये लड्डू कैसे बने हैं। और नई नई रेसिपी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि लड्डू कैसे बने, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।